हर हर महादेव। भक्त चरितांक में आज हम सुनेंगे यमराज जी के बारे में, तो आइए हम सुनते हैं। श्री यमराज जी, जिनकी जीव भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहां यानी यमपुरी में लाया करो। यह यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया है। जब भी यमदूत हाथों में पाश लेकर मर्त लोक के मरणासन्न प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं, जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूं, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझमें नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूं। नित्य देव होने पर भी यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, वे देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वे हाथों में भयंकर दंड लिए रहते हैं, उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांत तक स यमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर सीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक स यमनी पहुंचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोक में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरकों में डालना आदि भयंकर कर्म भी वे दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भागवताचार्यों में हैं, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों के मल को दूर करने के लिए ही दी जाती है। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश करते हुए कहा है, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण मंगलमय चरित एवं परम पावन नामों का कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत शरणागत साधु जन है उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्ध गण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है, तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। निष्किंचन वीतराग परमहंस जन रसज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों के जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान मुकुंद के उस पादार विंद मकरंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वार रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्रादि संसारासक्त असत पुरुषों को ही तुम लोग यहां यानी यमपुरी में लाया करो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, अगर आप संतों की चरितावली सुनते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों की चरितावली सुनते हैं, तो आपको यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो भी सुनते हैं उसे आपस में आप अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ उन कथाओं को सुनाइए, जब भी समय मिले, जब भी कहीं आप बैठे रहते हो।
तो उससे न सिर्फ आपका आध्यात्मिक विकास होगा, उनका भी आध्यात्मिक विकास होगा। और भक्ति आश्रम नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं वहाँ पे, करीबन मुझे लगता है 1000 संतों की चरितावली है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके प्रतिदिन भगवान के भक्तों की चरितावली सुन सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।